अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते आ रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फ्री है दोस्तों, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है, और आज के वीडियो में हम देखेंगे वीवो V9 का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट बोर्ड। देखिए यहाँ पर वीवो V9 आई थिंक मार्च 23 उन्होंने रिलीज किया था, उसी दिन मैंने प्री ऑर्डर किया है वीवो के ई स्टोर से। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ से आप प्री ऑर्डर अभी तो लॉन्च हुआ होगा ऑलरेडी, तो ऑर्डर्स भी ले रहे होंगे, प्री ऑर्डर तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन आप वहाँ से ज़रूर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 23,000 रुपीज़ में अवेलेबल है यहाँ पर 4GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज वर्शन के लिए। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि वीवो V7 प्लस से अपग्रेडेड है, और 2018 जो ट्रेंड बनने वाला है उसी को फॉलो करते हुए वीवो V9 ने भी वो नॉच को अप्लाई कर दिया है। जल्दी से जल्दी फटाफट अभी नॉच वाला फोन्स बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं। देखिए एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा कि ये जो वीवो ओप्पो वन प्लस हो या फिर स्मार्ट्रॉन इन्फिनिक्स, ये कहाँ कहाँ से पता नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ जो भी है वो मैन्युफैक्चर मेड इन चाइना करते हैं, और उनके उनके देशों में असेंबली का यूनिट लगाकर असेंबल करके टैक्स जो कम पड़ता है तो इसलिए वहाँ पर असेंबली करके वो बेच देते हैं। खैर वो बात अलग, लेकिन क्या करें अभी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रहा है, तो जल्दी जल्दी से अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप पैसा डाल के आप भी एक नया ब्रांड खोल के आप ज़रूर ऐसे मोबाइल्स को बना सकते हैं। अभी इतना आसान हो चुका है 2018 इट इज़। तो देखिए अभी यहाँ पर वीवो V9 है, जैसे कि मैंने बताया प्री ऑर्डर किया था। जल्दी से अगर स्पेसिफिकेशन देख लेंगे तो जब मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ आज, तो वीवो V9 के साथ ओप्पो F7 भी रिलीजिंग 1,000 रुपीज़ लेस है वीवो V9 से ओप्पो F7। तो उसमें सिंगल कैमरा मिल रहा है आपको रेयर में, यहाँ पर ड्यूअल कैमरा है। ड्यूअल कैमरा यानी आपको पता है कि जो सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का सिर्फ डेप्थ सेंसर रहेगा उसमें, यानी डेप्थ को वो आइडेंटिफाई करके कुछ सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स लिखे होंगे उसी के आधार पर वो मेन कैमरा जो 16 मेगापिक्सल का है उसको सपोर्ट करके आपको बोके का मूड वेरी स्पेशल बनाएगा। तो ड्यूअल कैमरा वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर सिर्फ सिंगल कैमरा दिया है, वो भी बहुत अच्छा है 16 मेगापिक्सल का। उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि f1.8 अपर्चर वाला कैमरा दिया है ओप्पो F7 में, यानी आपको लो लाइटिंग कंडीशंस में बेटर पिक्चर्स मिलने चाहिए वीवो V9 से। खैर कोई बात नहीं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी दोनों मोबाइल में ऑब्वियसली है ही, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी दिए हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर बने रहे हैं और वीडियोस देखे हो तो वीवो V7 प्लस में एक्चुअली लाइव मोड पहले से ही है, ओप्पो F5 में बिल्कुल नहीं था लाइव मोड। लाइव मोड यानी आप जब पिक्चर्स को प्रो मोड में खींचते हैं तो जो भी सेटिंग्स चेंज करते हैं लाइव दिखाई देना चाहिए व्यू फाइंडर में, वो वाला वीवो V7 प्लस में था, वीवो V7 में भी है और ओप्पो F5 में नहीं था, तो इसलिए वो एक फीचर बनाकर अभी ओप्पो F7 में दे रहे हैं कि लाइव आप देख सकते हैं कि बिफोर क्लिकिंग द पिक्चर्स आपको पता चलेगा कि उसमें पिक्चर कैसे आने वाला है। तो ऑलरेडी वो वीवो V7 वीवो 7 प्लस में था ही, ओप्पो F7 में आपको थोड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा अगर आप CPU के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कॉर्टेक्स A73 का जो कि कॉर्टेक्स A53 से अपग्रेडेड है वो 4 कोर्स वो लगाया है, और 4 कोर्स कॉर्टेक्स A53 है, लेकिन वीवो V9 में आपको 8 कोर्स भी कॉर्टेक्स A53 ही लगाया गया है। और कॉर्टेक्स A53 बहुत पुराना हो चुका है अभी, अराउंड 10-15,000 रुपीज़ के बजट मोबाइल में भी वहीं कॉर्टेक्स का A53 प्रोसेसर लगाते हैं, लेकिन जो चिपसेट है वो क्वालकॉम का है इसमें, जो कि वेरी नोन ब्रांड हाई एंड मोबाइल्स में भी वहीं यूज़ करते हैं चिपसेट, तो 626 वर्शन का है यहाँ पर। आई थिंक कि अगर आप मुझे पूछेंगे तो सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगा दोनों ही मोबाइल में, और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यानी इसमें सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन और बॉडी बहुत कम मिलेगा आपको फ्रंट में। तो ड्यूअल रेयर कैमरा जैसे कि मैंने बताया, चलिए इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या एक्सेसरीज वीवो ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पर ये है वीवो V9 का बॉक्स पैकेजिंग, अभी हम इसको खोलेंगे अनबॉक्स करेंगे और देखते हैं कि एक्सेसरीज क्या क्या प्रोवाइड किया है वीवो ने। फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल वीवो V9 यहाँ पर है। देखिए छोटा फ्लैप है मोबाइल निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले आई थिंक क्लियर केस है वीवो का, देख लेते हैं अभी कि कैसा है क्लियर केस। ऑब्वियसली बहुत ही स्लिम फ़ोन है, यहाँ पर सिम कार्ड इजेक्ट करने के लिए दिया है, ड्यूअल नैनो सिम डाल सकते हैं आप, उसके साथ माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। बहुत ही स्लीक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल क्लियर केस,
यहाँ पर वीवो वी नाइन का। इसको हम अभी आपके लिए अंदर लग देते हैं, वो बाकी देखते हैं बॉक्स में क्या है। देखिए यहाँ पर फ्लैप है, उससे आप ऐसे मोबाइल को ले सकते हैं। दिस इज़ दी वीवो वी नाइन। ये है वॉल अडाप्टर, देखते हैं कि कितने मिली एम्पियर आवर का है। दिस इज रेटेड एट 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ये है यू माइक्रो यूएसबी केबल ऑब्वियसली। और यहाँ पर देखिए ईयरपॉड्स, तो एप्पल के ईयरपॉड्स, ईयरपॉड्स या फिर ईयरपॉड्स कहिए उसके जैसा है। तो ये है ईयरफोन, तो उसके साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगते हैं ये। इसको भी हम टेस्ट करेंगे ईयरपॉड को। तो ऐसे सारे एक्सेसरीज यहाँ पर आपको मिलता है वीवो वी नाइन में। अभी हम फ़ोन को बूट करेंगे फर्स्ट बूट, और देखते हैं कि कैसे सेटअप करें। इस फ्लैप को हटा देता हूँ।